मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट सेशंस जो कि बेस्ड होगा क्वेश्चन आंसर्स पे। तो यस्टरडे नाइट्स को हम लोग लास्ट 12 क्वेश्चंस हम लोग देखे थे। आज हम लोग इस वीडियोज में 13 से लेके एटलीस्ट 24 क्वेश्चंस तक देखेंगे, 23। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लर्निंग सीरीज से लिया गया है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और किसी भी किस्म का डाउट्स हो या कुछ डाउट्स को क्लियर करना हो या नोट्स या एवरीथिंग या प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हेल्प ले सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज कॉल्ड हैबिट। ओके, हैबिट यानी आदत क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिट यानी आदत किसको कहते हैं। अच्छा, ये जरा सा ब्लर हो गया है तो आप लोग इसको हाई रेजोल्यूशन में देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 13 है, हैबिट क्या है। ऑप्शन नंबर 1, रिपीटेशंस ऑफ एनी वर्क, कोई भी काम का रिपीटेशंस। ऑप्शन नंबर 2, इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, क्या ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन नंबर 3, ओनली बी। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बोथ। ओके, तो हैबिट, एक आदमी का जो हैबिट है, जो आदत है, ये आपको रिपीटेशंस ऑफ वर्क यानी कोई भी काम को बार बार करते करते उस काम का एक हैबिट हो जाता है। ओके, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जिससे हम लोग को सुबह में उठ करके ब्रश करना, ये एक हैबिट है और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ओके, आदमी खुद ब खुद, डेट मीन्स उठने के बाद से ब्रश करता ही है। ओके, तो हैबिट क्या है, दोनों चीजें, रिपीटेशंस ऑफ एनी वर्क एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस। नंबर 14 क्वेश्चन से, हाउ शुड टीचर मेजर द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ये सब क्वेश्चंस करने के बाद से आप लोगों को बहुत सारा एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत सारे डाउट्स को भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों को एबिलिटी को कैसे मेजर किया जाए, कैसे नापा जाए। ऑप्शन नंबर 1 है, बाई एग्जामिंग द स्टूडेंट, बच्चों से एग्जाम लेकर के। ऑप्शन नंबर 2, बाई आस्किंग द स्टूडेंट, बच्चों से कुछ पूछ करके। ऑप्शन नंबर 3, बाई एनालाइजिंग द रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के द्वारा किया हुआ बहुत सारा काम, उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि कौन सा बच्चा के अंदर क्या एबिलिटी है और किस कैसे काम को उसने सॉल्व किया है। ये ऑप्शन नंबर 3, बाई आस्किंग विद पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट, या स्टूडेंट के पेरेंट्स से पूछ करके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, बाई एनालाइजिंग द रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस वर्क्स। ओके, बच्चों के जो डेली बेसिस पे जो स्कूल में जो काम करवाइएगा उसका रिकॉर्ड देख करके हम एनालाइज करेंगे कि बच्चों के एबिलिटी को, बच्चे में एबिलिटी क्या है, या मेजरमेंट कर सकते हैं बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन गिव द राइट और प्रॉपर नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट। तो आप बच्चों में कैसे प्रॉपर नॉलेज या राइट नॉलेज को एक्वायर कीजिएगा या दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1, बाय मेमोराइजिंग द लेसंस, लेसंस को मेमोराइज करके, रटा करके, याद करवा के। ऑप्शन नंबर 2, बाय एक्सप्लेनिंग द लेसंस, या लेसंस को एक्सप्लेन करके बच्चों के सामने। ऑप्शन नंबर 3, सेल्फ स्टडी ऑफ ए स्टूडेंट, बच्चों को बोलेंगे खुद से सेल्फ स्टडी करो। ऑप्शन नंबर 3, बाई टीचिंग इन इंटरेस्टिंग वे, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बाई द टीचिंग इन इंटरेस्टिंग वे, बच्चों के सामने सबक को बिल्कुल, लेसन्स को बिल्कुल आसान करके पेश करना होगा और इंटरेस्टिंग वे में, जिससे बच्चे इंटरेस्टिंग वे में पढ़े और बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो बाहर निकल के आए। क्योंकि एजुकेशन का मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है द फाइंड आउट द इनर क्वालिटीज ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चों में सही तरीका से नॉलेज को देने का जो सबसे अच्छा वे है, इंटरेस्टिंग वे टीचिंग का जो मेथड्स होना चाहिए, इंटरेस्टिंग वे में।
क्वेश्चन नंबर 16, हाउ शुड द स्टूडेंट बी टाउट सॉरी टॉट द साइंस सब्जेक्ट, यानी आप बच्चे को एक साइंस सब्जेक्ट कैसे पढ़ाइएगा। ऑप्शन नंबर 1, बाय गिविंग द क्वेश्चंस आंसर, बच्चों को क्वेश्चन आंसर दे करके। ऑप्शन नंबर 2, बाय शोइंग द प्रैक्टिकल, या साइंस है तो प्रैक्टिकल दिखा करके। ऑप्शन नंबर 3, प्रैक्टिकल्स एंड बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, या प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के जरिए किया हुआ, स्टूडेंट के द्वारा खुद बच्चे प्रैक्टिकल करके। या ऑप्शन नंबर 3, बाय टीचिंग इन इंटरेस्टिंग वे, या बच्चों को आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाइएगा। तो साइंस का जब भी बात आए तो आपको बच्चों को प्रैक्टिकल करवा करके, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रैक्टिकल्स आर डन बाय द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को खुद से बोलेंगे प्रैक्टिकल करके देखो। ओके, तो साइंस में या जहां लैब का अगर बात है, प्रोजेक्ट का बात है, तो जस्ट टीचर का जो रोल होगा एज ए गाइडर, ओके, वो गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ओके, बाकी सब प्रैक्टिकल बच्चे करेंगे। कहीं पे अगर कोई गलती करे तो बच्चे टीचर सिर्फ बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे और उसको गाइड करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज नेसेसरी टू लर्न इन द क्लास, यानी क्लास में सबसे जरूरी, यानी सीखना क्या जरूरी है, सिखाना क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1, प्रॉपर एनवायरमेंट। ऑप्शन नंबर 2, क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 3, लर्न टीचर्स, या ऑप्शन नंबर 3, ऑल ऑफ दीस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ऑल ऑफ दीस। ओके, यानी एक टीचर का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल है, जैसे ही वो क्लास में एंट्री करे वो एक ऐसा प्रॉपर माहौल बना दे कि बच्चे उसमें मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सीखे, कुछ समझे, कुछ सीखे, और बच्चों के अंदर दूसरी जो बात होगा, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे, ओके, तजस्सुस पैदा करे, खोज कि आज हम लोग इस चीज को जरूर जान के रहेंगे, आज 40 मिनट की क्लास में आज हम लोग ये चीज जान लेंगे, उनके अंदर बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी रहेगा तब वो सीखने में जल्दी, यानी पूरा अपना एवरी सेंसेस यूज करेंगे सीखने में। ऑप्शन नंबर 3, लर्न टीचर, और टीचर लर्न होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, सीखा हुआ होना चाहिए, तभी बच्चे को अच्छी तरीके से सिखा सकता है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है और आप लोग को इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ शुड चिल्ड्रेन बी टॉट, बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए। अच्छा, टीचिंग का पास्ट फॉर्म है टाउट, ओके, टॉट, टीचिंग का पास्ट फॉर्म टॉट, टीच क्या है, एक प्रेजेंट है, टीचिंग कंटिन्यूअस, और ये टॉट क्या है, पास्ट टेंस का है, टीचिंग का पास्ट टेंस। तो क्वेश्चन है, हाउ शुड चिल्ड्रेन बी टॉट, बच्चे को आप कैसे सिखाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 है, दे शुड टीच लैंग्वेज, क्या उन लोगों को लैंग्वेज सीखना चाहिए। दे शुड टेल स्टोरीज, या स्टोरी को बता बता के सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, दे शुड टीच लैंग्वेज बाई प्ले मेथड, उन लोगों को लैंग्वेज प्ले वे मेथड से खेलते कूदा के लैंग्वेज सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, बाय लिसनिंग म्यूजिक, या म्यूजिक को सुना करके सिखाना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो लैंग्वेज बच्चों को प्ले वे मेथड से सिखाना चाहिए, ओके, प्ले वे मेथड से, या लिंगुआ फोन से। लिंगुआ फोन जस्ट एक ऑडियो होता है, उसमें कौन सा वर्ड्स को कैसे कितना स्ट्रेस करके कितना एक्सप्रेस करना है, कितना इजहार करना है कोई भी वर्ड्स को, कोई भी लेटर्स को। और लैंग्वेज को सबसे इजी जो प्रोसेस है पढ़ाने का, प्ले वे मेथड से, खेल कूद के जरिए। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, इफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट आंसर द गिवन क्वेश्चंस, देन, अगर आप एज ए टीचर हो और आप कोई स्टूडेंट से क्वेश्चंस किए हो लेकिन बच्चे उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, टीचर शुड आंसर देम, क्या टीचर को चाहिए उसका आंसर दे दे। ऑप्शन नंबर 2, टीचर शुड आस्क देम द अदर स्टूडेंट्स, टीचर को चाहिए कि दूसरे बच्चे से पूछे। ऑप्शन नंबर 3, टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू गिव द आंसर, या टीचर उस बच्चे को एनकरेज करेंगे, कुछ क्ल्यू देंगे, कुछ मतलब उसको हौसला अफजाई करेंगे जिससे बच्चे कुछ आंसर दे पाए। ऑप्शन नंबर 3, टीचर शुड पनिश द स्टूडेंट, या टीचर को चाहिए उसको पनिश करे। तो इसका जो राइट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टीचर को चाहिए कि बच्चे को इनकरेज करे आंसर को देने में। क्वेश्चन नंबर 20, एजुकेशनल टूर इज नेसेसरी इन द स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स, व्हाई, यानी
एजुकेशनल जो टूर है बच्चों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत ही जरूरी एजुकेशनल टूर। क्यों? ऑप्शन नंबर वन, द स्टूडेंट्स फील हैप्पी इन ट्रैवल, क्या बच्चे ट्रैवल करने में हैप्पी खुश रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्टडी इज नॉट ट्रीटेड एज बर्डन फॉर द स्टूडेंट, क्या ऐसा है कि स्टडी मतलब कि स्टडी में बर्डन होता है बच्चों में। ऑप्शन नंबर सी, द स्टूडेंट्स गेट स्टैग्नेंट नॉलेज विद द डायरेक्ट रिलेशंस और कॉन्टेक्ट, क्या बच्चे टूर पे या कहीं पे जाते हैं तो वहां पे उनको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, डायरेक्ट नॉलेज मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी, द स्टूडेंट्स एंजॉय द ट्रैवल, ये बच्चे ट्रैवलिंग में एंजॉय करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चे को अगर टूर पे लेके जा रहे हैं तो जिस जगह जाएंगे उस जगह को डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, ओके, डायरेक्ट उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए टूर करना बहुत ही जरूरी है कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस या कोई भी ज्योग्राफिकल प्लेसेस पे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21, होमवर्क इज गिवन टू द स्टूडेंट्स व्हाई, बच्चे को क्यों होमवर्क देना चाहिए। ऑप्शन नंबर वन, द स्टूडेंट्स कुड स्टडी एट होम, यानी स्टूडेंट घर पे पढ़ सके। ऑप्शन नंबर बी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी, टू नो द हाउ मच स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसंस, इसलिए दिया जाना चाहिए होमवर्क के बच्चे को जो पढ़ाया गया वो लेसंस को कितना समझा है। ऑप्शन नंबर डी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग स्किल, या बच्चों को राइटिंग स्किल को ठीक करने के लिए होमवर्क दिया जाना चाहिए, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कि बच्चे को देखा जाए कि बच्चे कोई भी लेसन कितना समझे हैं, क्योंकि अच्छा है समझे तो ही वही अच्छी तरीके से घर पे होमवर्क कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवन रेगुलर एक्टिविटीज टू द स्टूडेंट्स, यानी रेगुलर जो एक्टिविटीज है स्टूडेंट जो करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य, इसका मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर वन, टू अराइज द सब्जेक्ट इंटरेस्ट इन देम, यानी बच्चों में सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट हो। ऑप्शन नंबर बी, तो फॉर रेगुलर स्टडीज, वो बराबर स्टडी करें, मुताला करें। ऑप्शन नंबर सी, फॉर बेटर सब्जेक्ट नॉलेज, उनको सब्जेक्ट के ऊपर पूरा कमांड हो, अच्छी तरीके से जानकारी हो। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, रेगुलर एक्टिविटीज का मकसद है कि इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन लोगों को आदत लगे रेगुलर स्टडीज का और सब्जेक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हो। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नाउअडेज देयर आर नो एजुकेशनल इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, आजकल ये देखा जा रहा है बच्चों में कोई पढ़ाई से प्रति कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीजंस क्या है? बिकॉज ऑप्शन नंबर वन, देयर आर अ लॉट ऑफ मनी इन द बिजनेस, क्योंकि एजुकेशन आज के दौर में क्या हो गया, प्राइवेट स्कूल एक जस्ट एज ए बिजनेस के तौर पर काम कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन इज मच एक्सपेंसिव, जी हाँ आज के दौर में कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, दे कांट सी द बेटर फ्यूचर फॉर देयर एजुकेशन, वो लोग नहीं देख रहे हैं, जो एजुकेशन प्लानर है जो प्लानिंग करते हैं वो नहीं देख रहे कि इसका फ्यूचर क्या है। ये ऑप्शन नंबर डी, देयर आर नो एप्रोप्रिएट सिलेबस एंड मॉडल ऑफ द एजुकेशन, क्या अप्रोप्रिएट सिलेबस नहीं है या एजुकेशन का सही मॉडल या मेथड्स नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो आज का जो प्रेजेंट सिचुएशन है एजुकेशन बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, तो एजुकेशन इसलिए कि कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं है और कोई एक प्रॉपर मॉडल या मेथड्स नहीं है। ओके, ये है रीजन। तो ये था कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो आई होप कि आप लोग ये वीडियोस पसंद आया हो। इसके नेक्स्ट सेशंस यानी 24 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को बहुत सारा मतलब कि जो डाउट्स था बहुत सारा क्लियर हो गया होगा, और आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखें, किसी भी किस्म का इसके अलावा भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो ठीक है, बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।